नमस्कार दोस्तों, सुधा गीता कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी पनीर टिक्का। अब हम मैरिनेशन की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमें पहले चाहिए दही, जिसमें से मैंने पानी निकाल दिया है, बेसन 2 चम्मच जितना, गरम मसाला, चाट मसाला, मिर्च, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट, कश्मीरी मिर्च जिससे कलर अच्छा आए, और कसूरी मेथी जो मैंने थोड़ा सा क्रश कर दी है, और ये मस्टर्ड ऑयल, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैं 2 चम्मच ये भी लूँगी। अब इसको मैंने मिक्स करना है। इसमें देखिए मैं नमक नहीं डाला है क्योंकि ये पानी छोड़ जाता है, उसको मैं सबसे लास्ट में डालूँगी। देखिए अब हमारा मैरिनेशन तैयार है। इसको हम थोड़ा सा अलग कर देंगे सब्जियों के लिए। ये देखिए ये थोड़ा सा कर दिया मैंने, और इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे, प्याज, लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च। ये मिक्स करेंगे हम। हमने इसको पनीर के साथ इसलिए नहीं किया क्योंकि पनीर टूट जाता है, हम पनीर को अलग मैरिनेशन करेंगे। अब हम इसमें पनीर डाल रहे हैं और इसको हम हाथ से करेंगे। हम हाथ से इसलिए करेंगे कि पनीर टूटे ना, बहुत आराम आराम से कि सारा इस पर अच्छी तरह लिपट जाए। पनीर और सब्जियों को हमने मैरिनेट कर लिया है, इसे हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि सब्जियों और पनीर में मसालों का स्वाद अच्छा आए। अब आधा घंटा हो चुका है, अब इस पर हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और मिक्स करेंगे। बहुत आराम से करना है पनीर को, तो और अब इसको स्टिक पे लगाएंगे। तो हमने सबसे पहले शिमला मिर्च लगानी है बिल्कुल बीच में से, फिर प्याज। ध्यान रहे कि आसपास जो है सब्जी होनी चाहिए, नहीं तो पनीर जो है बीच में से गिर सकता है। अब हमने पनीर को स्टिक पे लगा लिया है, अब इसको हम तंदूर में लगाएंगे। अब हमने तंदूर को प्रीहीट कर लिया है 10 से 15 मिनट के लिए। अब इसमें हल्का हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे और अब पनीर को लगाएंगे अंदर। अब 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, ये ऑलमोस्ट डन है। अब इसको हम 1 से 2 मिनट रखेंगे और ये बिल्कुल पक जाएगा। अब देखिए हमारा पनीर टिक्का तैयार हो चुका है, इसको हम सर्व करेंगे। ये अब चाट मसाला डालेंगे, नींबू। अब हमारा पनीर टिक्का तैयार है, खाइए, खिलाइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।